तो गाइस आप सभी का स्वागत है रन सिमुलेटर के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने पिछले एपिसोड में पिकों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो मेल पिक था उसको मैंने बेच दिया था और थोड़े बहुत पैसे मेरे को मिले थे। अभी मेरे पास सिर्फ $135 बचे हैं, लेकिन अभी मेरे पास पिक काफ़ी सारे आ गए हैं देख सकते हो। और ये है एक फीमेल पिक और अभी ये थोड़ी पतली हो गई है जब से इसने बच्चे दिए हैं। तो यहाँ पर मेरा पानी डाला था मैंने और यहाँ पर रखा था खाना, इसके अंदर 17 खाना पड़ा है और खाने की दो गाइस दो बोरियाँ और ले आया था मैं, तो ये अपना खाना पड़ा है यहाँ पे। तो गाइस खाने पानी की अभी इनके पास कोई कमी नहीं आने वाली है, तो मैं थोड़ी देर मुर्गियों के पास जाकर देख लेता हूँ पहले कि इनके पास खाना पानी पूरा आया नहीं है। तो गाइस मेरे को लगता है इनके पास भी खाना पानी पूरा, ये रहा पानी और इनका भी खाना रखा हुआ है। तो मैं सोच रहा था गाइस इनका जो खाने वाला है ये पहले इनका खाना पानी वाला पूरा कर देता हूँ और इनका खाना भी गाइस इसी के अंदर रखा करूँगा मैं। और यहाँ पर इन्होंने गोबर देना शुरू कर दिया है, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ पहले इन दोनों को कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ये वाला थोड़ा टेढ़ा लग रखा था तो मैं सोच रहा हूँ इसको पहले सीधा कर देता हूँ। तो इसके लिए गाइस मेरे को पहले तो गाइस मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को तोड़ देता हूँ। और अब गाइस मेरे को लगाने पड़ेंगे नए वाले, तो मेरे को ये लगाना है एक छोटा फूड वाला, एक ज़्यादा स्मॉल फूड, तो मैं इसको लगा देता हूँ बिल्कुल यहाँ पे। और अब मैं लगा देता हूँ एक, और अब मैं लगा देता हूँ इसको यहाँ पे, ये भी नहीं लग रहा भाई यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैं इस तरफ लगा दूंगा, पहले मैं ये बाल्टी हटा देता हूँ। तो गाइस वाटर बॉल मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये लो लग गया। तो भाई ये रहा स्मॉल फूड वाला और ये रहा वाटर वाला, तो ये दोनों चीज़ें हो गई है। और अब मैं इसके अंदर खाना पानी डालूंगा इनका, तो पहले मैं देख लेता हूँ इन्होंने अंडा अंडा तो छोड़ो भाई, पहले इनका गोबर तो साफ करो, ये रन का गोबर। तो गाइस अपना अंडा देख लेते हैं इनका, कोई इन्होंने अंडा दिया या नहीं दिया। यहाँ पर कोई अंडा नहीं है, यहाँ पर भी कोई अंडा नहीं है, इधर भी अंडा नहीं है। तो भाई ये मुर्गियों का धंधा मेरे को लगता है बर्बाद ही है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है मुर्गियों का, और पिगों से भाई मोटा पैसा बनेगा अपना। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस अभी अपने एक मेल पिग ले आता हूँ, इसको इसके लिए मेल पिग लेके आना पड़ेगा मेरे को एक, क्योंकि गाइस मेरे को और बच्चे भी चाहिए पिग के। लेकिन गाइस मेरे पास पैसे आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ $135 है और पिग आएगा भाई $300 का, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है भाई कि मैं पिग ला सकूँ। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ पहले, इस साइड वाला भी किसी काम का नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं रखने वाला फिलहाल, चलो पड़ा रहने देते हैं, आगे वाले फ्यूचर में देखेंगे कभी कोई काम आएगा तो, क्योंकि इसके अंदर खाना पानी थोड़ा बहुत पड़ा है। गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ अपने करें क्या, तो मेरे को एक बार ये भी पूरा करना है अपनों को। इसके अंदर मैंने 50 कंक्रीट तो डाल दिया है और मेटल गाइस इसके अंदर और डालना है, मेरे को डालना है 110 मेटल और डालना है अभी इसमें। तो मेटल गाइस काफ़ी ज़्यादा महंगा है, उसके लिए मेरे को काफ़ी मोटा पैसा चाहिए। हेलो हेलो, तो गाइस मैं ना यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा था और मेरे को यहाँ पर दो हिरण घूमते हुए दिखे जिनको मैंने मार दिया है, एक हिरण तो ये रहा गाइस और एक ये रहा, लेकिन मेरी गोलियाँ भाई इनमें बहुत ज़्यादा लगी, कम से कम भी 10 गोलियाँ लगी भाई इनको मारने में। तो मैं इनका क्या करता हूँ, एक इनका मीट है ना यहीं पर बेच देता हूँ, पास में बर्गर शॉप है यहीं पे बेच देता हूँ गाइस मैं इनका मीट, बढ़िया से थोड़े बहुत पैसा मेरे को मिल जाएगा। अभी तो भाई एक एक पैसे की कीमत है भाई। ये रहा अपना मीट, बस वाइल्ड मीट का वो और चल रहा हो, साथ में सेल चल रही हो तो मज़ा आ जाएगा भाई, लेकिन पता नहीं मेरे को रात के अंदर चलती है या नहीं चलती। फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, और 6 टुकड़े हैं भाई, 6 टुकड़ों से कम भी $130 मिलते हैं शायद तक, देखते हैं कितने रुपये मिलते हैं मेरे को। अबे रात को बंद हो जाता है ये, चलो कोई नहीं, इसको मैं बाद में भेज दूंगा, अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए। यहाँ पर मेरे को लगता है सेव करने का कोई ऑप्शन, ये रहा भाई सेव करने का ऑप्शन है शायद तक ये, यहाँ पे बंदा अगर सो भी जाए तो और बढ़िया हो जाएगा भाई। ये देखो भाई क्या क्या चल रहा है, ये देखो भाई क्या हो रहा है भाई, ये आसमान तो मस्त है बिल्कुल गेम का, लेकिन भाई ये क्या है सामने, इसके अंदर सेव हो जाएगा गेम अगर सवेरा हो जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छा इसमें सिर्फ गेम सेव होगा, सोगा नहीं, सोएगा नहीं भाई इसमें ये, चलो कोई बात नहीं। अरे एक और हिरण आ गया, एक और हिरण मार दिया भाई मैंने, इसको भी यहाँ पे कर दूंगा मैं, स्किन कर देता हूँ इसको भी, अपनी गाड़ी लेके चलता हूँ पहले इसके पास, और गाड़ी के अंदर ही भर देंगे गाइस इसका मीट, और गाड़ी को मैं यहाँ पे छोड़ नहीं सकता गाड़ी को। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं अपने रेंज के ऊपर और देखते हैं कि उनका खाना थोड़ा बहुत बचा या नहीं बचा। मेरे हिसाब से गाइस इतना खाना तो मैं डाल के आया था पिकों के पास, तो और मुर्गियों का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन गाइस मुर्गियां अपने पास है भी तो सिर्फ 3, कितना खाना खा लेंगे भाई वो। भाई ये देखो चांद कितना मस्त लगता है इस गेम में, अरे चांद दिखाना भाई, गाड़ी सीधी हो जा, ये देखो भाई कितना मस्त है यार चांद, चांद तारे तो मस्त है, ग्राफिक्स तो भाई सही बनाए इन्होंने, लेकिन थोड़ा बहुत यार लैग हो जाता है बीच बीच में।
तो गाइस आ गए अपने रेंच के ऊपर और अब देखते हैं कि ये बंदा सोएगा या नहीं सोएगा। सो जाना तो चाहिए भाई, सो गया सो गया। चलो गाइस अब देखते हैं पहले इनके पास खाना बचा या नहीं बचा पिकों के पास अपने। और ये बढ़िया सुबह हो गई है, एकदम धूप निकल रही है भाई। इस गेम के अंदर ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है यार, आज ही बिल्कुल सही हुआ मौसम। वैसे इतने दिनों से तो ख़राब ही चल रहा था मौसम। ये देख लो भाई, ऐसे लग रहा है मर गए, ये ऐसे लग रहा है ना मर गए भाई ये। अभी अभी देखना, ये देखो ये सो रहे हैं भाई सारे। खड़ा हो रहे, अबे खड़ा हो तो भी। हाँ अभी भाई ये थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं पिग। ये जो बच्चे थे भाई अभी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं, मेरे को दिख रहा है ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं पहले से तो ये। और खाना देख लेता हूँ भाई, ये 12 बचा है इसके अंदर और पानी भी बचा हुआ है काफ़ी, तो मैं खाना इसके अंदर और भर देता हूँ ये वाली बोरी। तो 19 हो गया ये। और अब अपने देखते हैं गाइस, अरे बाहर मत भाग। अब अपने देखते हैं मुर्गियों का खाना, और पहले मुर्गियों का मेरे को ये भी तो बनाना पड़ेगा ना, मुर्गियों का खाना भी भाई ख़त्म होने वाला है यार। चलो कोई बात नहीं, मुर्गियों के लिए भी बोरी रखी हुई है इधर ही। और अंडा देख लेता हूँ, एक अंडा, एक अंडा मिला भाई अभी तक, एक ही अंडा मिला भाई अभी तक। चलो कोई बात नहीं, अभी बेच देते हैं ये वाइल्ड मीट और चलते हैं गाइस अपने जल्दी बेस्ट बर्गर की दुकान पे, बेच के देखते हैं अभी कितना पैसा मिलता है इससे। और अब तक ये खुल चुकी होगी दुकान उधर भाई। हाँ भाई खुल चुकी है ये दुकान। अबे उधर हो ना गाड़ी। ये क्या है, चीज़ बर्गर, चीज़ बीफ सोसेज कर्ड। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, ये बेच देता हूँ। $135 यार, $135 से क्या होगा, $30 और चाहिए मेरे को, $30। अरे भाई एक हिरण और मिल गया मेरे को, बस 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 अब काम हो जाएगा अपना, एक काम बस, जल्दी 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 भाई $30 चाहिए मेरे को। रिलोड हो जा यार गन, जल्दी रिलोड हो जा। ये ले भाई, दो शॉट मार दिए, बिल्कुल परफेक्ट शॉट मार दिए तुम्हारे भाई ने। अब इसका मीट मैं बेच देता हूँ जल्दी से, कार में नहीं लेके आ रहा भाई क्योंकि एक बार मैं इसको इस तरीके से ले जाता हूँ मीट को आगे, क्योंकि गाइस गाड़ी के अंदर पेट्रोल अपना ख़त्म होने वाला और मैं नहीं चाहता कि रास्ते के अंदर ही ख़त्म हो जाए, जिससे मेरे को अपने रेंच में पहुँचने में भी दिक्कत आ जाएगी। और ये वाला मीट पास में ही है इस दुकान के, तो मैं इसको वैसे सीधा ही ले आता हूँ। तो गाइस इन तीन टुकड़ों से मेरे हिसाब से अपना काम बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ $30 की कमी है और तीन टुकड़ों से मेरे को लगता है अगर $10-$10 भी मिलेंगे तो अभी $30 का काम हो जाएगा। और अभी बार मैं देखूंगा गाइस ये वाइल्ड मीट कितने रुपये का बिकता है, और पिग वाला भी देखूंगा पिग वाला कितने का बिकता है। मेरे को लगता है यार वाइल्ड वाला थोड़ा सस्ता ही बिकता होगा पिग से, क्योंकि ये ऐसे ही मिल जाता चलते फिरते कहीं पे भी। एक दो हिरण और मिल जाए तो बढ़िया शिकार करूंगा भाई उनका। चलो भाई अपने बेच देते हैं इनको भी, और $1 देखते हैं कितने मिलते हैं। तो यार $15 मिलते हैं मेरे को एक से, और मेरे पास हो चुके हैं $315। तो अब मैं ला सकता हूँ एक मेल पिग, तो चलिए गाइस जल्दी से चलते हैं और एक मेल पिग लेके आते हैं। पहले मैं जनरल स्टोर के ऊपर मार्क लगा लेता हूँ, जाइए चलते ही चलते जनरल स्टोर के ऊपर और लेके आते हैं एक मेल पिग, ताकि अपनी जनसंख्या और बढ़ा सकूँ मैं पिगों की। लॉन्ग हॉर्न, स्कॉटलैंड काओ, शीप, अरे भाई ये सब चीज़ें। अबे लैपटॉप भी है, $50 का लैपटॉप, वाह भाई इतना सस्ता। चलो अपने ख़रीद लेते हैं इसको। तो गाइस अपनों ने मेल पिग खरीद लिया है एक, और इसको भरते हैं अपनी कार के अंदर जल्दी से, इस पिग को डाल देते हैं अंदर। बस इसको अंदर डालते वक्त वो सारे पिग बाहर ना जाएं, इस बात का मुझे डर लग रहा है, क्योंकि भाई पिकों को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है यार। ट्रेंच के ऊपर और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इस पिक को जल्दी से, बस बाकी सारे पिक बाहर ना जाए। अरे उतर नीचे, चलो भाई आ जा, ये देखिए है तेरा नया परिवार, आए तेरे को मिलाता हूँ अंदर, जल्दी अंदर जल्दी अंदर आ जा, जल्दी अंदर आ जा, आ जा आ जा अंदर। अबे यार दूसरा पिक भाग गया, मोटू मैं गोली मार दूंगा, जल्दी अंदर आ, अबे अंदर आना मोटू, अंदर आ जा मार दूंगा मैं। अबे सारे बच्चे भाग गए यार, अबे ये इतना सो के अंदर कैसे नहीं आ रहा भाई, तू अंदर आ चल, गेट बंद करो, गेट बंद करो, ये गेट भी बंद करो, इसको इसको छोड़ो एक बार, इसको तो गाड़ी में भरो एक बार, बैठ गाड़ी में, इसको लेके आओ भाई, तू भी गाड़ी में बैठ एक बार। 6 1 2 3 4 5 6, चलो पिक तो पूरे हैं, एक बस ये मेल पिक अंदर आ जाए तो मेरा काम सफल हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, बस बंद हो जा बंद हो जा, बस 1 2 3 4 5 6, सारे गाइस पिक पूरे हैं। और मेरे को लगता है अब कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे को, बस खाना पानी डालते रहो इनको, और बड़े होंगे तब पेल देंगे इनको। 16 21, और खाना पानी भी पड़ा है, तो खाना पानी दोनों चीज़ें पड़ी है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देख लेता हूँ कोई पिक है या नहीं है बाहर, मेरे को लगता है पता नहीं 7 थे कि 6 थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो मैं आसपास देख लेता हूँ कोई और पिक तो नहीं है, और कोई पिक तो नहीं दिख रहा मेरे को, यानी कि और कोई पिक नहीं था भाई, बस इतना ही था। चलो कोई नहीं गाइस, अपना काम पूरा हो गया, और अपने एक काम और कर देते हैं अब। ये जो अपना खाना पानी का इलाका था, ये मुर्गियों का भाई खाना भी ख़त्म होने वाला है, तो इसके अंदर चाहिए 6 प्लैंक और 12 प्लैंक चाहिए मेरे को, यानी कि
दो स्टैक प्लैंक चाहिए। तुम रहो पहले तो, ये लो भाई खाने का हो गया और पानी का भी हो गया भाई। बाकी जो बची हुई लकड़ी है उसको मैं यहीं रख देता हूँ, और अब जो खाना है वो मैं इसमें डाल देता हूँ खाने वाले में। एक सेकंड, हाँ ये रहा खाने वाला, इसमें डाल देता हूँ खाना इनका। खाना भर गया और ये रहा इनका पानी, ये लो भाई पानी भर गया। और इनका गोबर भी साफ़ कर देते हैं। ये इनका पानी साफ हो गया। और गाइस अब इनका इनका काम करते हैं, अंडा देख लेते हैं कितना दिया इन्होंने। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक बाल्टी पानी पिग्गों को भी दे जाता हूँ। ये लो भाई ये अपना खाली हो गया था बिल्कुल, इसके अंदर है ही नहीं पानी, बिल्कुल ख़त्म हो गया ये। और ये अपना ओवरस्कोप जिसमें कोई काम का नहीं है भाई, ये इसमें पता नहीं चलता अंडा अंडे के अंदर कुछ है या नहीं है, ये देख लो भाई कोई पता नहीं चल रहा। इसको मैं रख देता हूँ वापस इसके अंदर एग बास्केट में, और एग बास्केट के अंदर गाइस और भी अंडे कलेक्ट कर लेते हैं, इसमें डाल देता हूँ ये। तो भाई देख लेता हूँ और कोई अंडा दिया या नहीं दिया इन्होंने, एक अंडा दिया है ये कलेक्ट कर लेता हूँ। और कोई अंडा नहीं है भाई, ये रहा अंडा इसके अंदर एक, और इसमें इसमें भाई तीन अंडे, वाह यार बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो इनसे खाने का जुगाड़ हो जाएगा, एक बोरी खाना आ जाएगा इससे। पहले मैं देखूंगा एक बार इसमें से कोई फर्टिलाइजर है या नहीं है। तो पहले तो मैं गाइस इन मुर्गियों का पानी डाल देता हूँ पूरा। ये हो गया पूरा, ये आ गया अपना जनरल स्टोर, और माल बेचते हैं भाई इसके ऊपर, देखते हैं कोई अंडे अंडे में बच्चा है या नहीं है। ये लो भाई यहाँ पर बेचेगा तीन वाइल्ड मीट, चलो। और अंडे में भाई कोई पता नहीं है बच्चा किस में है या नहीं है, चलो कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, मेरे पास डॉलर कितने हो गए, $90, तो मैं खाना ख़रीद लेता हूँ एक तो, 30 और 30 60, दो बोरी खाना ख़रीद लेता हूँ मैं। और पानी तो अभी मेरे पास पड़ा है तो पानी की ज़रूरत नहीं है, और बुलेट ख़रीदने के मेरे पास पैसे नहीं है भाई, चलो कोई बात नहीं ये ख़रीद लेता हूँ। और बुलेट गाइस कभी और ख़रीदेंगे जब थोड़े बहुत पैसे आएंगे। तो जाइए जल्दी से चलते हैं अपने रेंच के ऊपर वापस, और मैं मार्क लगा लेता हूँ रेंच पे पहले। अरे भाई खाना तो रखा ही नहीं, खाना रखो तो सही भाई, पहले इसको पहले यहाँ पे रखो और ये बोरी रखो पीछे, चलो भाई। तो गाइस पहले मैं गाड़ी को खड़ा करता हूँ यहाँ पे, और पहले जल्दी से जाके सो लेता हूँ क्योंकि भाई इतना अंधेरा हो गया कुछ भी नहीं दिख रहा। उठो भाई जल्दी उठो। अब डालता हूँ गाइस मैं खाना जो है अपना, वो रख देता हूँ पहले मैं इन दोनों के ऊपर, एक बोरी में रख देता हूँ मुर्गियों वाले पे, और एक बोरी को रख देता हूँ मैं पिग वाले घर पे। और इनके ये देख लो भाई, अब की बार मैं पिगों को तब शिफ्ट करूँगा जब ये सो रहे होंगे ना, तब शिफ्ट कर लूँगा जल्दी से। और ये देखते हैं गाइस कितने बड़े हो गए अपने पिग, ये मेल पिग है ये तो उतना ही है भाई, छोटे छोटे हैं ये सारे। मेरे को लगता है मेल पिग लाने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये भी लगभग इसके जितने हाइट के हो चुके हैं, थोड़े ही छोटे हैं वो इससे। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।